अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी. पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? बर सिद्धी, अगदी बरोबर. परसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. चंद्रपुर के चांदा क्लब ग्राउंड में चल रहे चांदा एग्रो 2024 में शुक्रवार 5 जनवरी को 1500 किलो की प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर मिलेट्स ऊर्जा अर्थात मिलेट्स का उपयोग कर 6750 किलो की खिचड़ी बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य व्यवसाय मंत्री और जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के मार्गदर्शन में कृषि तंत्र ज्ञान प्रबंधन यंत्रणा चंद्रपुर और कृषि विभाग और पशु संवर्धन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चांदा क्लब मैदान पर दोपहर 12 बजे विष्णु मनोहर आत्मा संस्था के सहयोग से मिलेट्स की खिचड़ी बनाई गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 वर्ष मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करने के बाद मनोहर ने मिलेट्स का प्रचार करने वर्ष भर अलग अलग शहरों में 12 मिलेट्स के पदार्थ तैयार करने का संकल्प लिया. अब तक नागपुर, औरंगाबाद और नासिक में उन्होंने मिलेट के विविध पदार्थ तैयार किए हैं. खिचड़ी में 850 किलो बाजरी, मूंग दाल 215 किलो, चावल 215 किलो, शेंग दाना 215 किलो, फूल गोभी 150 किलो, प्याज 150 किलो, गाजर 150 किलो, 40 किलो धनिया, तेल 45 किलो, नमक 20 किलो, हल्दी 15 किलो, मिर्च पाउडर 20 किलो, गरम मसाला 20 किलो, दही 215 किलो, 4300 लीटर पानी, अदरक 65 किलो, लहसुन 65 किलो, धनिया पाउडर 30 किलो, हरा धनिया 100 किलो, घी 45 किलो, जीरा 5 किलो, शक्कर 10 किलो का उपयोग होगा. साथ ही से बनाने 600 किलो सूखी लकड़ियां लगेंगी. नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, नासिक, जलगांव, दिल्ली जैसे शहरों में हुए विविध कार्यक्रम में कढ़ाई आकर्षण का केंद्र रही. देवी अन्नपूर्णा की कृपा से इस कढ़ाई में अब तक 65600 किलो का अक्षत बनकर नागरिकों में वितरित हुआ और कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं. अब जल्दी इस कढ़ाई में राम जन्मभूमि अयोध्या में महाप्रसाद बनाया जाने वाला है. विश्व विक्रम जो आहे, जो मिलेट्सचा विक्रम, चौथा विश्व विक्रम चंद्रपुरात होतो आहे आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीजी यांच्या आग्रहानुसार आणि आपले लाडके पालकमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या सगळ्या सपोर्टमुळे हा विश्व विक्रम जो 6750 किलोचा आम्ही ठरवला होता तो जवळपास त्याच्या वर गेला आहे, 7000 पर्यंत गेला आहे असे मी जाहीर करतो आणि आता वाटपाला सुरुवात झालेली आहे. सगळ्या चंद्रपूरकरांनी याचा आस्वाद घ्यावा अशी विनंती करतो आणि धन्यवाद. चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट. चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहाँ आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट. एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें. आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर. कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीश पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578. दिनांक 1 जनवरी 2024 को शाम 6:30 बजे के आसपास शिकायतकर्ता राजकुमार सुरेश मिश्र पुलिस स्टेशन अम्बाझारी के प्रभात रेस्टोरेंट देसी शराब दुकान के सामने से गुजरते समय किसी अज्ञात आरोपी ने उनकी जेब से वन प्लस नॉर्ड लाइट 5G मोबाइल कीमती 25,000 रुपए चोरी कर लिया. शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन अम्बाझारी में मामला दर्ज कर त्वरित संज्ञान में लिया गया और जांच टीम के साथ शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए होलिये के आधार पर जब आरोपी की तलाश ली गई तो दिए गए विवरण के अनुसार आरोपी को अम्बाझारी टी पॉइंट के पास देखा गया. आरोपी को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया. अब उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रशांत जोंदल बताया है. गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी ने उपरोक्त अपराध कबूल कर लिया. उक्त अपराध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर शिकायतकर्ता का चोरी हुआ मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया और आगे की कार्यवाही की जा रही है.
अम्बाजरी पुलिस स्टेशन में रामनगर में एरिया में प्रभात रेस्टोरेंट है, उसके बाजू में एक देसी भट्टी है। उसमें तारीख 1 तारीख को शाम को 6:20 में वहाँ पे रहने वाला राजकुमार मिश्रा, उम्र 34 साल, रहना संजय नगर पांड्रापुरी, ये वहाँ पे आया था देसी भट्टी में। उसी दरमियान उसका मोबाइल कोई तो अज्ञात आदमी ने उसके जेब से निकाल के लेके गया, ऐसी उन्होंने कंप्लेंट देने के बाद में हमने अपराध नंबर 5/24 हमने गुना रजिस्टर किया था। हमारे डीपी पदक ने तुरंत में वहाँ के पूरे सीसीटीवी कैमरे चेक करने का कोशिश किया और उसमें हमको एक सस्पेक्टेड मालूम पड़ा। तभी डीबी पथक ने पांड्रापुरी परिसर में सर्च ऑपरेशन करने के बाद में हमने एक आरोपी को ताबे में लिया। उसकी तलाशी लेने के बाद में उसके पास से जो मोबाइल चोरी हुआ था वो मोबाइल हमने बरामद किया है। मोबाइल वन प्लस कंपनी का मोबाइल था, कीमत उसका 25,000 रुपया था। आरोपी की तरह से वो हमने रंगेहाथ वो मोबाइल जब्त किया है और आरोपी के अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया। न्यायालय ने उसको मैजिस्ट्रेट कस्टडी दिया हुआ है। वन प्लस कंपनी का मोबाइल था, कीमत उसकी 25,000 रुपया थी और आरोपी का नाम है प्रशांत रमेश जोंदड़े, उम्र 38, उर्फ परशा उसको बोलते हैं, रैना पांड्रापुरी बुद्ध विहार के पास है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, इसके ऊपर कोई गुनाह रजिस्टर नहीं है, मगर दारू पीने की आदत है और दारू पीने की आदत की वजह से ये कोई भी जो छोटी मोटी चोरियाँ करता है, मगर कोई मामला कभी उसके खिलाफ रजिस्टर हुआ नहीं था। ये कामगिरी हमारे डीबी पथक के हवलदार सोनावने, ऋषि अंकुश, अमित, इन्होंने अग्नि तुरंत तह से ऐसे शातिर आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। सीसीटीवी फुटेज के दरिया उन्होंने जो काम किया है और एक ही दिन के अंदर ये आरोपी को हमने मुद्देमाल के साथ में अरेस्ट करके कार्रवाई किया है। धन्यवाद।